हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश पेडागॉजी का थर्ड चैप्टर लेके आई हूँ, जो कि है लैंग्वेज स्किल, जिसमें हम चार अलग अलग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। आप जैसा यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज आर जनरली टॉट एंड असेस इन द टर्म ऑफ फोर स्किल्स। लैंग्वेज को ज़्यादातर चार अलग अलग स्किल्स की मदद से हमें समझाया या फिर पढ़ाया जाता है, जो कि है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब देखिए यहाँ पे आपका बता रखा है द प्रॉपर ऑर्डर एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लर्निंग अ लैंग्वेज। अगर हमें एक प्रॉपर ऑर्डर से किसी भी लैंग्वेज को लर्न करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिसन करना पड़ेगा। स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये प्रॉपर ऑर्डर बताया गया है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, अगर हमें फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करना है, किसी भी फर्स्ट लैंग्वेज को, तो हमें इन चारों स्किल को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले बच्चे को आदत डलवानी है किसी भी लैंग्वेज को सुनने की। जैसे कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तब सीधा बोलना शुरू नहीं करता, वो अपने आसपास के लोगों को पहले सुनता है, फिर जो चीज़ें सुनता है वही चीज़ें वो बाद में बोलना स्टार्ट करता है कुछ समय बाद। और प्रोबेबली हम ये मान के चलते हैं कि पहले वो सुनता है फिर बोलना स्टार्ट करता है, और उसी चीज़ को कुछ साल बाद, जैसे कि 3-4 साल बाद, वो रीडिंग और लास्ट में राइटिंग स्किल डेवलप होती है। राइटिंग स्किल सबसे लास्ट में क्यों डेवलप होती है, क्योंकि जो बच्चा इन्फेंट होता है उसको अपने हाथों में अपने ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल में जो उसे पकड़ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। जब वो पकड़ बना लेता है, जब वो 5-6 साल का हो जाता है, 5 साल का प्रोबेबली, वो राइटिंग स्किल भी परफेक्टली कर पाता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन चारों स्किल को हम LSRW स्किल भी बोल सकते हैं। L यहाँ पे लिसनिंग के लिए है, S यहाँ पे स्पीकिंग के लिए है, R यहाँ पे रीडिंग और W यहाँ पे राइटिंग के लिए। चलिए आगे ज़रा समझते हैं। आगे यहाँ पे बता रखा है कि इन स्किल्स को भी दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है ज़रा समझते हैं। यहाँ पे लिखा है दीज स्किल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इन स्किल्स को भी, इन चारों स्किल्स को भी दो अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। पहले वाले को बोलते हैं रिसेप्टिव या फिर प्रोडक्टिव स्किल, जो कि पैसिव स्किल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लर्नर होता है ये पैसिव होता है। देखिए यहाँ पे बता रखा है कि जो लिसनिंग और रीडिंग स्किल है इसको हम रिसेप्टिव स्किल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो लर्नर होता है इसको कुछ भी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बाहर से चीज़ें रिसीव करता है। जैसे लिसन मतलब सुनते हुए ये बाहर से चीज़ें सुनेगा, और रीडिंग में भी जो इसके सामने जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही चीज़ें ये रीड करेगा। तो इसमें हम कोई भी नई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसीलिए हम इसे रिसेप्टिव या फिर रिप्रोडक्टिव स्किल के नाम से जानते हैं। और इसमें लर्नर को पैसिव क्यों बोला गया है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो किसी चीज़ को रिसीव करके उसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है। अब ज़रा सेकेंड टाइप समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड टाइप लिखा है प्रोडक्टिव और क्रिएटिव स्किल। देखिए प्रोडक्टिव और क्रिएटिव स्किल स्पीकिंग और राइटिंग को बोला जाता है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तब हम एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ ऐड करके, क्रिएट करके उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ राइटिंग में भी यही होता है, राइटिंग में भी हम अपनी क्रिएटिविटी सामने वाले को दिखा सकते हैं। इसीलिए स्पीकिंग और राइटिंग स्किल को प्रोडक्टिव या फिर क्रिएटिव स्किल बोला जाता है। देखिए स्पीकिंग और राइटिंग को एक्टिव स्किल भी बोलते हैं। एक्टिव स्किल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लर्नर होता है वो एक्टिवली कोई भी चीज़ बोल पा रहा है, और साथ ही साथ वो अपनी एक्टिविटी के साथ कोई भी चीज़ आपके सामने राइटिंग के साथ प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल बिकॉज लर्नर आर अप्लाई दी स्किल्स इन द नीड टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। अब देखिए इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आए थे आपके सीटैट के पेपर में, ज़रा एक बार ये भी देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है लैंग्वेज आर बेस्ट
टॉट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज स्किल होती है उसको हम बेस्ट तरीके से पढ़ा सकते हैं या समझा सकते हैं कब, ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चन सीटैट जनवरी 2012 का क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन जरा यहाँ देखते हैं, ओनली थ्रू राइटिंग टास्क टेस्ट एंड असाइनमेंट, यानी कि बस बच्चे को राइटिंग टेस्ट दे दो और असाइनमेंट दे दो, उससे उसकी लैंग्वेज स्किल डेवलप हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जब तक हम चारों स्किल यूज़ ना करें तब तक लैंग्वेज स्किल डेवलप नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इफ़ दे आर टॉट इन अ इंटीग्रेटेड मैनर, यानी कि अगर सारे स्किल्स को इंटीग्रेटेड इकट्ठा पढ़ाया जाए तब वो बेस्ट तरीके से समझेगा। ये ऑप्शन सही हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ चैलेंजेस, चैलेंजेस से कोई भी चीज़ कोई भी स्किल सीखें ये ज़रूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस इन आइसोलेशन वन स्किल एट अ टाइम, मतलब जब कोई भी चीज़ आप पढ़ाओ या फिर समझाओ तो एक टाइम में बस एक ही स्किल को समझाओ, एक टाइम में जब एक स्किल को समझाएंगे तो बच्चे की सारी स्किल्स एक साथ डेवलप नहीं होंगी, इसलिए जो इसका सेकेंड ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बैठता है, जो कि है इफ़ दे आर टॉट इन अ इंटीग्रेटेड मैनर। देखते हैं अब नेक्स्ट आपका आगे क्या दे रखा है। यहाँ पे हमें बता रखा है लिसनिंग के बारे में। अब हम जानते हैं लिसनिंग स्किल के बारे में जरा डिटेल में। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट लिखा है, लिसनिंग इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग हमारी फर्स्ट लैंग्वेज स्किल होती है अगर हम कोई भी नेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, लिसनिंग स्किल वुड बी इन्हांस By focusing on making the student listen, यानी कि listening skill को और बेहतरीन बनाया जा सकता है अगर हम focus करें कि बच्चा चीज़ों को listen करे। देखिए बच्चा जब तक चीज़ों को अच्छे से सुनेगा नहीं तब तक उसे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और वो particular language के sound और particular language में understanding नहीं बिठा पाएगा। तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट में ये हैबिट डलवानी है कि वो चीज़ों को लिसन कर पाए, चीज़ों को सुनने की आदत डाले। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इज़ अ रिसेप्टिव स्किल, ये जो लिसनिंग स्किल होती है ये एक रिसेप्टिव स्किल है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, और साथ ही साथ इसे पैसिव स्किल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम लोगों को हमारे कानों की ज़रूरत पड़ती है, हम किसी भी चीज़ों को सुनने के लिए अपने कानों को यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हमारा ब्रेन जो होता है उस लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करता है। कॉम्प्रिहेंड मतलब जो चीज़ें हम लोग कानों से सुन रहे हैं उन चीज़ों का मतलब क्या है, वो चीज़ें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं, ये हमारा ब्रेन कॉम्प्रिहेंड करता है। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ लिसनिंग स्किल डिस्कस कर लिया, अब जरा बाकी स्किल्स को भी समझते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्किल के बारे में, जो कि है स्पीकिंग स्किल। आप यहाँ देख सकते हैं पहला पॉइंट लिखा है, स्पीकिंग इज़ द सेकेंड लैंग्वेज स्किल, स्पीकिंग सेकेंड लैंग्वेज स्किल होती है अगर हम किसी भी नेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं, और साथ ही साथ इसे प्रोडक्टिव स्किल के नाम से भी जाना जाता है और इसे एक्टिव स्किल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई नई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो हमारे वोकल ट्रेट की हमें ज़रूरत होती है, वोकल ट्रेट मतलब जो हमारे वॉइस बॉक्स हैं जिसके थ्रू हम बोल पाते हैं, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है गले के पास जो होता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है, लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, भाषा क्या है, एक माध्यम है जिसके थ्रू हम किसी और के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी जो फीलिंग है किसी और के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी और के आइडियाज़ को भी समझ सकते हैं। अब हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें कोई ना कोई भाषा की ज़रूरत है और साथ ही साथ एक साउंड की ज़रूरत है जो कि किसी और को सुनाई दे, इसके लिए स्पीकिंग स्किल बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इन द अर्लियर स्टेज, जब बच्चा अर्लियर स्टेज में होता है अपनी लाइफ के, तो जो स्टूडेंट होता है वो बहुत सारी अलग अलग वोकैबुलरी को लर्न करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखता है और साथ ही साथ कॉन्वर्सेशनल रूटीन को भी समझता है, जिससे वो अलग अलग चीज़ें किसी और के सामने बोल पाते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्किल के बारे में, जो कि है रीडिंग स्किल। आप यहाँ देख सकते हैं, रीडिंग इज़ द थर्ड लैंग्वेज स्किल, रीडिंग क्या है, रीडिंग थर्ड लैंग्वेज स्किल मानी जाती है और साथ ही साथ इसे हम रिसेप्टिव या फिर पैसिव स्किल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई भी नई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसमें हम अपनी आँखों की मदद से
किसी भी चीज़ को देख सकते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ को रीड कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा ब्रेन इसे कॉम्प्रिहेंड करने में भी हेल्प करता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, रीडिंग इज़ अ लर्निंग स्किल। रीडिंग आपका एक लर्निंग स्किल है जो कि सारे के सारे आपके इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में हमें हेल्प करता है। इंग्लिश लैंग्वेज के कौन कौन से पार्ट को, जैसे कि वोकैबलरी, स्पीकिंग, ग्रामर, राइटिंग, ये सारे के सारे जो डिफरेंट पार्ट होता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के, इन सब को इम्प्रूव करता है ये जो रीडिंग स्किल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, वाइल रीडिंग अंडरलाइनिंग ऑफ की वर्ड इज़ अ मस्ट। अगर हम किसी भी चीज़ को रीड कर रहे हैं तो हमें खास ध्यान रखना है कि जो लाइन इम्पॉर्टेंट है हम उस लाइन को अंडरलाइन करें। देखिए मैंने यहाँ पे आपको रीडिंग स्किल के बारे में बताया कि ये थर्ड लैंग्वेज स्किल है, जिसे हम रिसेप्टिव या फिर पैसिव स्किल भी बोलते हैं। इसमें हमारा सेंस ऑर्गन जो कि हमारे ईयर, हमारे आईज होते हैं, इसकी हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं और हमारा ब्रेन इसे कॉम्प्रिहेंड करता है। साथ ही साथ ये जो रीडिंग है ये हमारी लर्निंग स्किल को भी हेल्प करता है, सारी जो एरिया होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के उसको इम्प्रूव करता है, जैसे कि वोकैबलरी, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और लास्ट में मैंने बताया कि हमें चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए चलना चाहिए। अब देखिए लास्ट स्किल के बारे में पढ़ते हैं जो कि है राइटिंग स्किल, और उसके बाद हम करेंगे इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब हम लास्ट स्किल को डिस्कस करते हैं जो कि है राइटिंग स्किल। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट लिखा है, राइटिंग इज़ द फोर्थ लैंग्वेज स्किल। राइटिंग क्या है? फोर्थ लैंग्वेज स्किल है, जिसको हम प्रोडक्टिव या फिर एक्टिव स्किल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई नई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और कोई क्रिएटिविटी के साथ हम जो लर्नर हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस स्किल में हम लोगों को हाथों की हेल्प से हम कोई भी चीज़ों को नया प्रोड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ ब्रेन हमें हेल्प करता है कोई भी नए सिंबल को प्रोड्यूस करने में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने है, इट हेल्प टू कॉन्सोलिडेट देयर ग्रास्प ऑफ वोकैबलरी एंड स्ट्रक्चर। मतलब ये जो स्किल है ये हमें पकड़ बनाने में हेल्प करती है वोकैबलरी और साथ ही साथ स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि हमें पता है कि सिंबल हैं ए बी सी डी। अब इन सिंबल्स में हमें पकड़ बनाने में ये स्किल हमें हेल्प करती है, और साथ ही साथ हम उस लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं लैंग्वेज स्किल को सीखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा है, राइटिंग इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट फॉर आवर स्टूडेंट। अगर हम चारों स्किल को कंपेयर करें तो राइटिंग स्किल थोड़ी डिफ़िकल्ट स्किल मानी जाती है बाकी स्किल के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें हम लोगों को हमारे फाइन मोटर स्किल डेवलप होने चाहिए। जब तक हमारे हाथों के फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं होंगे तब तक हम चीज़ों को अच्छे से क्रिएटिवली लिख नहीं पाएंगे। अब देखते हैं इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राइटिंग इज़ अ डैश नॉट अ डैश। ये क्वेश्चन CTET फरवरी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है राइटिंग इज़ अ प्रोडक्ट प्रोसेस, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में। सेकंड दे रखा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। थर्ड ऑप्शन दे रखा है प्रोसेस प्रोडक्ट, और फोर्थ ऑप्शन है प्रोसेस फॉर्मेशन। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि राइटिंग एक प्रोडक्टिव स्किल है, तो लास्ट के जो दो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रोसेस। तो देखते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट बैठेगा। यहाँ पे लिखा है राइटिंग इज़ अ प्रोडक्ट, जो कि आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों ऑप्शन में है, एंड यहाँ पर लिखा है नॉट अ प्रोसेस। इसमें करेक्ट ऑप्शन बैठेगा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल आर, जो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल होती है उसे हम क्या और बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है बीइंग एबल टू सेल्फ करेक्ट। रिसेप्टिव स्किल को हम सेल्फ करेक्ट हो सकता है ये स्किल, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। रिसेप्टिव स्किल में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ होता है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है राइटिंग इन रेंज ऑफ स्टाइल, मतलब राइटिंग हम एक रेंज तक कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा है रिसेप्टिव स्किल लैंग्वेज स्किल आर लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बता रखा था कि रिसेप्टिव स्किल में हम चीज़ों को लिसन
और रीड करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। आप देख सकते हैं इस टॉपिक से कितने आसान क्वेश्चन सीटैट के पेपर में पूछे गए हैं। आपको ये टॉपिक बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको जब रिसेप्टिव प्रोडक्टिव स्किल्स ही नहीं पता होंगी तो आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में मुझे इतना ही डिस्कस करना था। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर इंग्लिश पेडागॉजी के और अपलोड किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वो दोनों टॉपिक भी ज़रूर देखें। वो दोनों टॉपिक भी सीटैट के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर।